देवभूमि उत्तराखंड अपनी सुंदरता, स्वच्छ आबो हवा, फल फूल और जड़ी बूटियों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। उत्तराखंड में कई ऐसे फल भी उगते हैं जो स्वाद में तो लाजवाब होते ही है, साथ ही शरीर के लिए भी बेहद लाभदायक होते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक फल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कई तरह की बीमारियों के लिए रामबाण है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मिलने वाले प्लम की। उत्तराखंड के नैनीताल जिले की रामगढ़ फल पट्टी अपने फलों के लिए जानी जाती है। यहाँ कई तरह के सीजनेबल फल उगते हैं। इन्हीं में से एक फल प्लम भी है जो शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित डीएसबी कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ललित तिवारी ने लोकल 18 से खास बातचीत के दौरान बताया कि उत्तराखंड में पाया जाने वाला जो पुल्लम है, जिसको हम पुल्लम कहते हैं, वैसे तो प्लम नाम से जाना जाता है, और इसका वानस्पतिक नाम प्रूनस सिलोसॉइडिस है। ये पर्णपाती वृक्ष है, इसको अलूचा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अंग्रेजी का और बहुत कॉमन नेम जो है इसका है, वो प्लम के नाम से जाना जाता है। इसका थोड़ा सा छिलका जो होता है, थोड़ा सा अपेक्षाकृत मोटा होता है, और अंदर से रसीला जो फल है वो हमें इसमें मिलता है। बाहर से जब हम देखते हैं तो गाढ़ा बैंगनी रंग का ये फल है, और गाढ़े बैंगनी रंग का होने का मतलब है उसका स्वाद उतना ही मीठा होगा। वैसे अमूमन जो है वो पुल्लम जो है वो खट्टे ज़्यादा होते हैं, तो भारत में इसकी खेती कम होती है, और लेकिन अमेरिका का ये बड़ा प्रसिद्ध फल है। पुल्लम को साउथ ईस्ट यूरोप से नेटिव जो उसको माना जाता है, वहीं से वो फल निकला और पूरे विश्व में फैला। गुठलीदार फल है, इसका वर्गीकरण किया गया है, जिस आलूचा का जो वर्गीकरण है, फल पकने के अनुसार इसको वर्गीकृत किया गया है। एक वो फल है जो शीघ्र पक जाता है, जिसको लाल पीला या काला रंग का वो फल होता है, जो द्वार प्रजाति का होता है। दूसरा वो फल है जो मध्य समय में पकता है, जिसको हम अल्फा कहते हैं, जिसको हम अल्फा लाल है, बड़ा है, जर्द है, इसको हम आलू बुखारा के नाम से भी जानते हैं। तो आलू बुखारा जो है वो बेहद खट्टा भी होता है, और ये शुगर को मेंटेन करने का काम करता है, डायबिटीज में भी लाभप्रद है। तीसरा जो प्रकार है वो है बिलंब से निकला हुआ, जिसको हम लेट प्रजाति के नाम से जानते हैं, जिसको हम एक्जिलरी कहते हैं, इसको कैल्सिन जापान के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो अमूमन प्लम के जो पौधे हैं वो दिसंबर माह में लगाए जाते हैं, बडिंग के माध्यम से लगाए जाते हैं, और करीब करीब इसकी हाइट 15 मीटर तक पहुंच सकती है। जो फल पकने का टाइम है वो है आपका मई जून और जुलाई तक आपको फल इसका बाजार में मिलता है। और एक वृक्ष में अगर हम बात करें, बहुत सारा फल मिल जाता है, एक मन तक आपको, यानी कि करीब करीब 40 किलो के आसपास का फल एक पेड़ से आपको इसमें मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। और ये पल्लम जो है वो USDA के अनुसार, इसमें अगर हम 100 ग्राम की बात करें तो 46 कैलोरी इसमें ऊर्जा होती है, 0.3% इसे फैट है, पोटेशियम करीब करीब 15% जो है वो इसमें पोटेशियम मिलता है, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट इसमें मिलता है, फाइबर इसमें मिलता है, शुगर भी इसमें मिलती है, साथ ही इसमें प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन सी है इसमें, आयरन भी इसमें मिलता है, और इसके अलावा मैग्नीशियम इसमें मिलता है, विटामिन के साथ साथ इसमें मिनरल भी है, और प्रोटेक्टेड पॉलीफिनॉल्स भी हैं। लेकिन इसमें पुल्लम की खासियत क्या है कि एक दिन में बहुत ज़्यादा पुल्लम खाना नियम के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे कहते हैं कि एक दिन में कम से अधिकतम भी आपको खाने 4-5 ही पुल्लम खाए हैं आप, अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो उससे दिक्कत आने लगती है। इसीलिए इसी तरह से जो मॉर्निंग टाइम है, सुबह का समय है, उसमें पुल्लम को खाना अच्छा माना गया है, क्योंकि दिन भर आपकी एनर्जी लेवल को बनाने में या जो डाइजेशन है उसको करने में मदद करता है, और साथ ही जो मोटापा बढ़ जाता है या हाइपरटेंशन होती है उसमें भी लाभप्रद है। रात को जो है वो ड्राई पुल्लम खाने की परंपरा है, और दिन में जो है फ्रेश पुल्लम फल खाने की परंपरा है। और ज़्यादा अगर हम इसको खा लेते हैं तो सीधे से हमारे पेट में अटैक कर देता है, जहाँ से हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, और कुछ कुछ कई बार एलर्जी भी होने लगती है। लेकिन ये जो फल है ये निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के आसपास अगर हम देखें तो भवाली गांव का बड़ा फेमस है, उधर हम कैंची के ऊपर को चले जाएं वहां बड़ा फेमस है, मुक्तेश्वर में आपको मिलता है, रामगढ़ में आपको मिलता है, बहुत फेमस जगह ये है जहां पर आपको ये फल आसानी से मिल जाता है, और 3 महीने तो लगातार इसके चलता है। लेकिन ये विश्व के पटल पर आपको बेहतरीन तरीके के पुल्लम भी मिलते हैं, जिनमें मिशिगन है, न्यूयॉर्क है, ओरेगॉन है, पेनिसिल्वेनिया है, टेक्सास है, और भारत के मैदानी क्षेत्रों में बहुत ऊपर ऊंचाई तक नहीं होता है, नीचे की ऊंचाई पर ये मिलता है, इसकी जो पहाड़ियां हैं वहां पर आपको मिलता है, उत्तराखंड में ये बहुत फेमस है, हिमाचल का बहुत फेमस है, कश्मीर में आपको मिलता है, इसके अलावा पंजाब में भी ये होता है, और साथ ही इसको जो है जैम जेली चटनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारे उत्तराखंड में आसपास है, जब खट्टे पुल्लम आते हैं तो उन पुल्लमों की चटनी जो है वो फेमस है इस इलाके में, लेकिन ये सिर्फ मई जून और जुलाई के महीने तक ही मिल पाता है। नैनीताल से तनुष पांडे की रिपोर्ट।